हरे कृष्णा टू एवरी वन, दंडवत प्रणाम टू एवरी वन, माई हम्बल ऑबिशियंसिस टू एवरी वन। भगवद्गीता अध्याय संख्या एक, श्लोक संख्या एक से आगे तक, देखते हैं कहाँ तक करते हैं, टाइम कम है आज। आई एम वेरी सॉरी, 3:30 का प्रोग्राम आज लेट शुरू हो रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं मिला बाई चांस, तो थोड़ा डिले हो गया। बट एनी वे, इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। देर आया दुरुस्त आया कोई बात नहीं। तो पहला श्लोक पढ़ता हूँ। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः, माम काः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। इसके अनुवाद में श्री प्रभुपाद लिखते हैं, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये ऐसा क्यों कहा गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी परपट में बड़े सुंदर तरीके से करते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी शुरुआत में पढ़ते हैं भगवद गीता का परपट की 3 लाइनें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स इन होल ऑफ भगवद्गीता आर दीज 3 लाइन्स। भगवद्गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दी हुई है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वे श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन करके भगवद्गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। इम्पोर्टेंट बात क्या बताई, भक्त की सहायता से छानबीन करके, यहाँ से सुन लिया, वहाँ से सुन लिया, अपने आप पढ़ लिया, मनोधर्म से पढ़ लिया, अपने आप विचार बना लिए, अपने आप डिस्कशन कर ली, अपने थॉट जो है उसको कर दिया, मैं सही सोचता हूँ, मैंने इसका ही मतलब निकाला है, नहीं। इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ए डिवोटी हु नोज भगवद्गीता। जिस भगवद्गीता का जिसके पास ज्ञान है उसके सानिध्य में आपको समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए, तब आपको भगवद्गीता समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। उसके बाद वो बात लिखते हैं, अर्जुन ने जिस रूप में गीता को साक्षात भगवान कृष्ण से सुना और शुभोपदेश ग्रहण किया, उसी रूप में भगवद्गीता का साक्षात स्पष्ट ज्ञान का उदाहरण है। आप जब भगवद्गीता पढ़ेंगे, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भगवद्गीता के शब्दों के अर्थ जरूर पढ़ा करिए। जब आप अर्थ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अर्थ और जो अनुवाद दोनों में भेद है, भेद है। इसका मतलब है प्रभुपाद ने गलत कर दिया, अनुवाद कुछ है और अर्थ कुछ है। मन में विचार आता है, कईयों के मन में आया है, मैं बता रहा हूँ, आई वॉन्ट नेम, आई नो द पीपल, बट नहीं, नो नो नो, नॉट एट ऑल। इसीलिए भगवद्गीता का नाम है भगवद्गीता एज इट इज। संस्कृत के शब्दों का संस्कृत की डिक्शनरी से हिंदी में अनुवाद करना एक अलग बात है, पर उन संस्कृत के शब्दों का हिंदी में अनुवाद करके उनका भाव समझना एक अलग बात है। तो प्रभुपाद ने जो अनुवाद लिखे हैं वो भाव प्रणय है, वो भाव है, भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं और अर्जुन क्या पूछना चाहता है और संजय क्या धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं, उसमें भाव क्या प्रकट हो रहा है, उसके अनुसार प्रभुपाद ने अनुवाद और शब्दार्थ में हल्का सा भाव प्रणय बनाया है, भाव के अनुसार किया है, लिटरल डिक्शनरी ट्रांसलेशन नहीं किया। कई बार कन्फ्यूजन होता है और हम लोग कन्फ्यूजन से घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है हमें। इसीलिए भगवद्गीता कहा है एज इट इज़, कि जैसी भगवान की भावना थी उसी हिसाब से प्रभुपाद ने भगवद्गीता को प्रेजेंट किया है और उसी हिसाब से उसके पर्पट्स लिखे हैं, तात्पर्य लिखे हैं। तो हमें इसे एक्सेप्ट करके चलना होगा कि भगवान के भावों का पूर्ण ध्यान रखा गया है, अर्जुन के भावों का पूर्ण ध्यान रखा गया है, संजय के मूड और भावों का पूर्ण ध्यान रखा गया है। जैसे
देखिए यहाँ पर जो है भगवद गीता के अंत में यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम। यहाँ पर इसका अनुवाद में लिखते हैं श्री प्रभुपाद, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, ऐसा मेरा मत है। तो संजय ने भी अपने ओपिनियन दिए हैं, उसका भाव समझना है कि जिस तरफ कृष्ण होंगे विजय उसी तरफ होनी है, ये डिसाइडेड है। क्योंकि जब चौथा अध्याय पढ़ेंगे तब इसका आंसर मिलेगा, तब इसका उत्तर मिलेगा कि ऐसा क्यों है। अभी इतना ही समझ लेना जरूरी है कि भगवद गीता एज इट इज मीन्स भगवान के भावों को डिस्क्राइब किया गया है प्रभुपाद के परपट्स के द्वारा। अब किसी ने प्रश्न किया प्रभुपाद से कि आप जो है परपट लिखे हो, इस तरह लिखे हो, आपने कैसे लिख लिया, कैसे विचार कर लिया, कैसे थोड़ा डिफरेंट है शब्दार्थों से, कैसे जो है जो सिनोनिम्स हैं शब्द के अर्थ हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा क्यों है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि ऐसा इसलिए है कि मैंने नहीं लिखे। बोले आप ही तो लिख रहे हो, आप ही ने डिक्टेट किया है, उसको हमने कॉपी डाउन किया है, डिक्टेट को हमने ट्रांसक्रिप्ट किया है, या आपने लिखा है यहाँ पर तो मैं हमने उसी को कॉपी डाउन किया है, आप कैसे कहते हो मैंने नहीं लिखे, आप ही के लिखे हुए हैं ये। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ये मेरे मुख से भगवान ने स्वयं कहलवाए हैं। लिखने के बाद मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मैंने क्या लिखा ही नहीं, आई हैव नॉट रिटन दैट। जब मैं लिखने के लिए बैठता हूँ, जब मैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य कर लेता हूँ, भगवान मेरे गुरु हैं, वो मुझे बताते हैं, एक चैत्य गुरु हृदय में विराजमान है वो, ऑफकोर्स मेरे गुरु हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, एग्रीड, पर जो भगवान है वो चैत्य गुरु हैं, मेरे हृदय में विराजमान है, वो जैसे जैसे प्रेरणा देते जाते हैं वैसे वैसे मैं लिखता चला जाता हूँ। तो जितने भी इसमें भाव प्रकट हुए हैं भगवान ने स्वयं प्रकट किए हैं, मैंने नहीं किए, इसलिए ये जो ट्रांसलेशन है, जो परपट्स हैं, ये भाव प्रणय है, मतलब कंसिस्टिंग ऑफ मूड एंड भावस ऑफ कृष्णा हिमसेल्फ। इसलिए ये पार्ट जो है भगवद गीता का मैंने थोड़ा डिटेल किया। कई बार हम जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो इसको समझना जरूरी है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को मात कर देता है। पाठों को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी भी बातें मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं नहीं हैं। भगवद गीता का यही विशिष्ट मानदंड है, स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा साक्षात उच्चरित होने से ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड वाई दिस इज पूर्ण आस्तिक विज्ञान। पुराणों में 1 करोड़ श्लोक थे, 1 करोड़, ओनली 1 करोड़ श्लोकाज। आज के कलयुग के अंदर प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट स्थिति के अंदर पुराणों में केवल 4 लाख श्लोक हैं, बाकी श्लोक सारे या तो दूसरे लोकों में हैं या डिसअपियर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। 4 लाख श्लोक हैं। हम लोग सवेरे भागवतम क्लास करते हैं या शाम को भगवद गीता क्लास करते हो, भी इसके बाद होगी, तो कभी 1 श्लोक लेते हैं, कभी 2 श्लोक लेते हैं, दैट्स ऑल। मैक्सिमम टेंपल्स में 1 श्लोक लिया जाता है। अगर हम 1 श्लोक करते हैं और सारे पुराण करना चाहते हैं, सारे पुराण, ऑल पुराणस, तो हमें चाहिए 4 लाख दिन, 4 लाख दिन चाहिए हमको। और अगर हम जो है 1 श्लोक रोज करते हैं सिर्फ भागवतम का, तो उसमें 18,000 श्लोक हैं, तो 18,000 दिन चाहिए। अब सोचिए हमारी आयु मान लीजिए 100 बरस की मानते हैं, जो आजकल है नहीं, 60 साल के बाद व्यक्ति जो है चलने की तैयारी कर लेता है,
कोई 65 में, कोई 70 में, कोई 75 में, 75 तो बहुत कम लोग पहुँचते हैं, वरना 65-70 के बीच में बहुत लोग चले जाते हैं। मान लीजिए 100 बरस है, एक बरस में कितने दिन होते हैं? 365, तो 100 बरस में कितने हुए? 365,000। श्लोक हैं 4,00,000। दिन आपके पास हैं पैदा होने से लेके मरने तक 365,000। इसका मतलब है 35,000 श्लोकों का आज भी डेफिसिट है जो आप पढ़ नहीं पाएंगे। पर पढ़ने में एक शर्त है, कंडीशंस अप्लाई। येन केन प्रकरेण, आपको माँ के गर्भ से बाहर आते ही पहला श्लोक पढ़ लेना, क्योंकि 100 साल काउंट करी लाइफ हमने फर्स्ट डे से, 100 ईयर्स ऑफ लाइफ काउंट की है, फर्स्ट डे से काउंट कर रहे हैं। मतलब माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद उआ 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 रोना नहीं है, पहला श्लोक पढ़ लेना है, अगले दिन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और जब आपके पास आँखें नहीं रहेंगी, दिखेगा नहीं ठीक से, बोला नहीं जाएगा ठीक से, सुनाई नहीं देगा ठीक से, बैठा नहीं जाएगा ठीक से, जब आप बेड रिडन हो जाओगे तब भी आपको रोज का एक श्लोक पढ़ना है, जीवन की अंतिम सांस तक पॉसिबल नहीं है, आप श्लोक खत्म नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम लोग टेम्पल्स में जाते हैं, 18,000 श्लोकों का भागवत हमें चल रहा है। मुझे याद है मैं जब पंजाबी बाग टेम्पल में मैंने भागवतम देनी शुरू करी, 1997-98 की बात है शायद, तब दूसरा स्कंद चल रहा था, बीच में फेस्टिवल्स भी आते हैं, चेतन चरतामृत भी होती है और महाराज के लेक्चर्स भी होते हैं, उसमें श्लोक कंटिन्यूएशन में नहीं चलते हैं। आज 10वां स्कंद चल रहा है, कितने साल हो गए? 20 साल। व्यक्ति जो है इतने साल जी पाएगा, रोज जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जितना सुन लें उतना अच्छा, बस ज़्यादा का लालच ना करें, क्योंकि हो नहीं पाएगा, आपसे लालच करने का फ़ायदा नहीं है। बट भगवान बड़े स्मार्ट हैं, इज़ वेरी स्मार्ट। हम लोगों में स्मार्टनेस भगवान की स्मार्टनेस का एक अंश है। हम स्मार्ट हैं तो भगवान अति स्मार्ट हैं, हम अनु हैं, भगवान विभू हैं, उनकी स्मार्टनेस भी विभू है। उन्होंने कहा कि इस कलयुग के अंदर जीव जो है ज़्यादा तो कर नहीं पाएगा, और ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा, और ज़्यादा सुन नहीं पाएगा, सारे पुराण ही नहीं पढ़ जाएगा, तो वेदों की तो बात छोड़ दो, उपनिषदों की बात छोड़ दो। वेदों में जो है ऐसे ऐसे श्लोक हैं जिसमें एक शब्द से लेके 59 शब्दों तक का श्लोक है, 59 वर्ड्स, आप पढ़ ही नहीं सकते, इतने वेद हैं। 4 वेद हैं, हर वेद के फिर उपवेद हैं, फिर वेदांग हैं, फिर आपकी स्मृतियां हैं, फिर आपके उपवेद हैं, मतलब उपनिषद हैं आपके पास, वेदांत है, हर वेद के अंदर ब्राह्मण है, संहिता है, आरण्यक है, वेदांत है, इतने डिटेल्स हैं, आप नहीं पढ़ पाओगे, आप पगला जाओगे। अब भगवान ने क्या स्मार्टनेस दिखाई? भगवान ने कहा इस कलयुग में जीव जो है भ्रमित रहेगा, उसके भ्रम को दूर करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? भगवद गीता। मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ गीता का ज्ञान 700 श्लोकों में, जिसमें कि सीता का ज्ञान के अंदर 41 श्लोक तो संजय के हैं, 84 श्लोक तो अर्जुन के क्वेश्चंस के हैं, और एक श्लोक धृतराष्ट्र का भी है। मेरे द्वारा तो केवल 574 श्लोक दिए गए हैं, और मैंने इन सारे श्लोकों में पूरे वेदों का, पूरे उपनिषदों का, पूरे पुराणों का ज्ञान भर दिया है। यही बात रूपा जी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, इट्स ए कंप्लीट नॉलेज। कंडीशंस अप्लाई, इस नॉलेज को गेन करने की कंडीशंस अप्लाई करनी है। कंडीशंस क्या है? स्टार क्या लगा हुआ है? स्टार है कि आपको किसी भक्त की सहायता से छानबीन कर इसका अध्ययन करना चाहिए। ये मैंने अपनी लाइफ में एनालाइज किया है। हम लोग परपट भी पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आता, तो हमारी बुद्धि बसी नहीं, क्यों नहीं है? व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है, हमें क्यों नहीं समझ में आती?
हम लोगों से बात कहते हैं, बोले प्रभु जी भगवद गीता खोली थी, एक दो श्लोक पढ़े, समझ में नहीं आई, मैंने बंद कर दी। ये तुझे क्यों नहीं समझ में आई? उसके लिए कारण क्या थे? कारण थे योग्यता। तेरी योग्यता नहीं थी समझने की। योग्यता में पहला पॉइंट है कि तूने भक्त की सहायता से छानबीन कर नहीं पढ़ा। तूने भक्त की सहायता से छानबीन कर नहीं पढ़ा, ये तेरी मिस्टेक है। पहली बात, माता जी किसी का ऑडियो ऑन है, ऑडियो बंद करिए। दूसरी योग्यता क्या है? दूसरी योग्यता जरा थोड़ी सी सुपीरियर है। आपको सुपीरियर क्वालिटी की योग्यता चाहिए। सुपीरियरिटी क्या है? एक बात बताइए आप, भगवान ने नराकार लिया, हमारी तरह का आकार लिया, पर भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं जन्म कर्म चे मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। भगवान हमारी तरह साधारण है कि साधारण रूप रखते हुए दिव्य हैं? दिस पॉइंट इज टू बी अंडरस्टूड। भगवान देखने में हम जैसे हैं, ही लुक्स लाइक अस। ब्रज में, वृंदावन में, ब्रज में उन्होंने लीलाएं करी हैं, लीलाओं में देखने में हम जैसे लगते हैं, बट ही इज ट्रांसेंडेंटल, ही इज दिव्य, वो साधारण नहीं है। ईशोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। जब भगवान साधारण नहीं है, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो उनकी वाणी कैसी होगी? उनके शब्द कैसे होंगे? उनके शब्द दिव्य हैं या उनके शब्द साधारण हैं? मतलब उनके शब्द जो है माइक हैं, माइक मिस माया के, या दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, कैसे हैं? हमारी बुद्धि माया की बनी हुई है, भगवान के अंदर बुद्धि माया की नहीं है, ट्रांसेंडेंटल। इज गॉट ए ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, ट्रांसेंडेंटल वॉइस, ट्रांसेंडेंटल वाणी। हम भगवान की तरह बांसुरी नहीं बजा सकते, बांसुरी बहुत लोग बजाते हैं, और कृष्णा को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी हर चीज़ दिव्य है। जब भगवान ने दिव्य वाणी से दिव्य शब्द कहे, हमारी जो है बुद्धि जो है वो माया की बनी हुई है, माइक है, उस माइक बुद्धि से दिव्य शब्द कैसे समझ में आ जाएंगे, ये बता दीजिए। अगर आप दूसरी क्लास में पढ़ते हो तो दसवीं क्लास की किताब समझ में नहीं आएगी, आपके लिए हायर 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 बुक है वो। तो भगवान की वाणी, भगवान के शब्द जो है दिव्य है, वो हमें समझ में नहीं आ सकते, तो भगवद गीता समझ में नहीं आती। नहीं समझ में आती, क्यों नहीं समझ में आती? कि हमारी बुद्धि उस लेवल की नहीं है, हमारी बुद्धि जो है वो दिव्य नहीं हुई है। बट मैं समझना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसको अच्छे तरीके से सीख लेना चाहता हूँ। दिस इज माई वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। प्रभुपाद लिखते हैं, इफ यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू लव कृष्णा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो बुक इज भागवतम, और भागवतम समझनी है तो बुक इज भगवद गीता। तो भगवद गीता टीचेस यू योर रिलेशनशिप विद लॉर्ड, हाउ टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट रिलेशनशिप। जब तक आप कृष्ण के बारे में नहीं जान लेंगे, भक्त्या माम अभिजानाति, जब तक आप कृष्ण के बारे में नहीं जान लेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भागवतम की लीलाओं का जब वर्णन सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो भगवद गीता हमारे माइंड में होनी चाहिए। और भगवद गीता प्राप्त करने की योग्यता क्या है? कि बुद्धि दिव्य हो, ये सुपीरियर योग्यता है। एक जूनियर योग्यता है नॉर्मल, कि आप भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़िए, पर आपको चाहिए छानबीन कर पढ़ने के लिए भी, उसको समझने के लिए भी दिव्य योग्यता चाहिए, दिव्य दिव्यता चाहिए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नु मामोपयान्ति ते, कि जो निरंतर लगातार प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, अर्थात मेरी सेवा में लगे रहते हैं, प्रेम पूर्वक, कंपल्शन में नहीं, मजबूरी में नहीं, टेंशन में नहीं, प्रेम से, आई लव कृष्णा, इस तरह से,
आप जब प्रेम पूर्वक भगवान के भजन में लगे रहते हो, अर्थात उनकी सेवा में लगे रहते हो, देन कृष्णा सेस ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन लोगों को दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। कृष्णा गिव्स यू ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ ए डिवोटी, जिसकी राय से आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। वाया मीडिया है डिवोटी, उसकी सहायता से आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके लिए दिव्य बुद्धि चाहिए, और दिव्य बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? सतत युक्ता नाम, भगवान के साथ भक्ति योग में लगातार जुड़ा रहना। और भक्ति योग में लगातार कैसे जुड़े रहोगे? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करके, तब आपको दिव्य बुद्धि प्राप्त होगी, उससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करके आप जो है भगवान की वाणी के समझ पाओगे, उन शब्दों को समझ पाओगे। तो इसलिए जो है भगवद गीता को क्यों नहीं समझ में आती? हमें पर्पट्स भी नहीं समझ में आते, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड पर्पट्स ऑल्सो, बिकॉज पर्पट भी तो भगवान की वाणी को ही आगे मॉडिफाई किया हुआ है ना, और भगवान ने स्वयं कराया प्रभुपाद से, तो वो भी भगवान की वाणी है, प्रभुपाद की वाणी नहीं है, भगवान की वाणी है वो, प्रभुपाद तो माध्यम बन गए लिखने के लिए। तो इसलिए उसको समझने के लिए भी भगवान के साथ निरंतर जुड़े रहना और भगवान की निरंतर लगातार प्रेम पूर्वक सेवा करना इज वेरी असेंशियल। नाउ इसके बाद आती है धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कुरुओं के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा कि उन्होंने क्या किया। नाउ इसके बाद बोलते हैं कि ये इस युद्ध को तीर्थस्थल के रूप में वर्णन हुआ कुरुक्षेत्र का, वहाँ लड़ा जाना था, जिसमें वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में वर्णन हुआ है। अब धृतराष्ट्र भयभीत है, इसकी चर्चा भी करते हैं, धृतराष्ट्र को डर है। धृतराष्ट्र को क्या डर है कि देखिए मैं करंट सिनेरियो का एग्जांपल देता हूँ। हम भक्तों से पूछते हैं माता जी प्रभु जी आप मंदिर गए थे? हाँ जी मैं मंदिर गया था। फिर हम पूछते हैं आप वृंदावन गए थे? बोले हाँ जी वृंदावन भी गए थे। क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ प्रभु जी दर्शन हो गए, प्रसाद मिल गया, कीर्तन सुन लिया, मजा आ गया, वेरी गुड। और प्रभु जी बैटरी चार्ज हो गई मतलब बदलाव आ गया जीवन में, बैटरी चार्ज हो गई। जो बैटरी जो है हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने के अंदर डाउन हो गई थी, थोड़ा भक्ति में वो मज़ा नहीं आ रहा था, वहाँ जाने के बाद भक्तों के दर्शन करने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद, कीर्तन सुनने के बाद और कथा सुनने के बाद बैटरी चार्ज हो गई है। यहाँ भी बैटरी चार्ज होगी। डर है किसको? धृतराष्ट्र को, कि तीर्थ स्थल है, ऐसा ना हो वहाँ पे जो है मेरे पुत्रों के मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि समझौता कर लें, समझौता कर लेंगे तो फिर मेरे पुत्रों का राज्य जो है निष्कंटक नहीं रहेगा। मैं तो पांडवों का अंत चाहता हूँ, पांडव समाप्त हों तो मेरे पुत्र जो है निष्कंटक हो जाएं। नहीं पांडव समाप्त होंगे तो राज्य में राज्य तो भोगेंगे मेरे पुत्र, पर सकंटक होगा मतलब कांटा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो है जाता है कि भाइयों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसी कुरुक्षेत्र की। महाभारत के वन पर्व में और शल्य पर्व में चर्चा आती है कि सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृष्टद्योति नदी के उत्तर भाग के बीच में 5 योजन × 5 योजन का क्षेत्र है। एक योजन में 8 मील होते हैं, 8 मील से 40 मील और 40 मील आज की डेट में निकालेंगे तो 64 किलोमीटर और 64 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर कि युद्ध होना है। अब इसको बोला गया है कि ये तीर्थ स्थल है, कुरुओं का क्षेत्र है। क्यों बोला गया है? मैंने पिछली बार भी बोला था
मैं आज भी बताता हूँ। यदुनो कुरुक्षेत्रम देवानाम देवयजनम सर्वेशाम भूतानाम ब्रह्म सदनम। कुरुक्षेत्र सब प्राणियों एवं समस्त देवताओं की आराधना का फल प्रदान करने वाला है, अर्थात भगवत धाम प्रदान करने वाला है। अब यहाँ पे आती है कि इस कुरुक्षेत्र के अंदर इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? कुरुक्षेत्र तक तो बात ठीक है, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? धर्म का मतलब ये है भगवान के वाणी, जो भगवान के मुख से शब्द निकले हैं वही धर्म है। धर्म की परिभाषा भी आती है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म होता है साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो इस जगह पर इंद्र ने, अग्नि ने, ब्रह्मा ने, कुरुओं ने भगवान का प्रेम प्राप्त किया है, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है और कुरुक्षेत्र कहा गया है। अब प्रभुपाद जी इसके बाद लिखते हैं कि धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि पवित्र स्थल के युद्ध का परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडवों के पुत्र पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वे सभी स्वभाव से पुण्यात्मा हैं। अब पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश से संबंधित हैं, कुरुवंश। कभी जब डिटेल्स की बात होगी तो कुरुवंश की चर्चा करेंगे, कुरुवंश का पूरा यार्कि आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से कैसे क्या है। दोनों कुरुवंश से हैं। उस कुरुवंश के अंदर आके एक पुत्र हुए धृतराष्ट्र, दूसरे हुए पांडव। किसके पुत्र हुए, कैसे पुत्र हुए, इसकी चर्चा इस श्लोक में कर लेते हैं, आगे नहीं करनी पड़ेगी। सत्यवती जो है, सत्यवती वो विवाह करती है शांतनु महाराज से। सत्यवती जो है वासु नाम के एक वासु हैं जिनका नाम है उपरिचार्या, और एक अप्सरा है जिसका नाम है आद्रिका, उनकी पुत्री है। परंतु उन्होंने इसको जो है छोड़ दिया है नदी किनारे, तो निषाद राज को यह मिल जाती है। अब निषाद राज जो है इसका पालन पोषण करते हैं, तो बचपन से जो है ये दासराज के पास रहते हुए मछली पालन में और मछली को पकड़ने में सिद्ध हो जाती है, और इसके शरीर से मछली की दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा मौका लगता है कि एक बार पराशर ऋषि जो है गंगा किनारे जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं सत्यवती को, तो उस पर मोहित हो जाते हैं। नदी पार कराती है इनको, तो पराशर मुनि जो है इससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ, एक अंधर विवाह है, विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती कहती है मुझसे विवाह करना है तो मेरे में दो तकलीफें हैं, दो कष्ट हैं मुझे। एक, मेरे शरीर से मछली की गंध आती है, और दूसरा मेरे पिता से परमिशन लेनी पड़ती है। आप दासराज के पास जाइए, उनसे परमिशन लीजिए, तब मैं आपके साथ विवाह करूँगी। तो पराशर मुनि जो है दासराज के पास जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, और सत्यवती की उनको जो है उसके शरीर की गंध को दूर कर देते हैं मंत्रोच्चार से, और उसके साथ जो है जब एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रखा जाता है कृष्ण द्वैपायन व्यास, एक द्वीप में पैदा होते हैं। नदी के बीच में जो थोड़ा सा जगह होती है, छोटा सा टापू होता है पृथ्वी का, उसको द्वीप कहा जाता है। वहाँ उनका संतान का जन्म होता है, वो काले रंग के हैं, सांवले हैं, और उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। अब सत्यवती जो है फिर आ गई, रह रही है। महाराजा शांतनु जो है वहाँ से निकलते हैं, जो कि कुरुवंश के अधिपति हैं। महाराजा शांतनु देखते हैं कि मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। फिर वो उनसे कहती है विवाह होगा तरीके से, अब गंधर्व विवाह नहीं होगा, विवाह तरीके से होगा, मेरे पिताजी के पास जाइए, दासराज से जाके परमिशन लीजिए और विवाह हो जाएगा। तो राजा शांतनु जो है दासराज के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। बोले मेरे विवाह के लिए दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि इसके औरत से जो पुत्र होगा वही राज्य का स्वामी होगा। बोले ठीक है, एग्रीड। और ये राजमहल में राजमहिषी की तरह रहेगी। बोले एग्रीड, ठीक है।
अब शांतनु वापस आते हैं तो टेंशन में हो जाते हैं, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र है गंगा से जिसका नाम है देवव्रत, तो राज्य तो देवव्रत को मिलना है, तो उसके जो पुत्र होंगे वो जो है राज्य के स्वामी कैसे हो जाएंगे, तो वो चिंतित हैं, अपने शोक भवन में लेटे हुए हैं। तो भीष्म जो है, जो देवव्रत है, वो आते हैं और देखते हैं पिता जो है महल में उपस्थित नहीं है, किसी कोने में हैं, शोक भवन में है, तो जाके उनसे पूछते हैं, सारी स्टोरी का पता लगता है। उस स्टोरी का पता लगने के बाद वो दाशराज के पास आते हैं, उनसे उनकी पुत्री का हाथ अपने पिता के लिए मांगते हैं। वही दो शर्तें बता देता है कि मेरी पुत्री जो है वो राजमहिषी बनेगी नंबर एक, और नंबर दो उसके औरत से जो पुत्र होगा वही राज्य का वारिस होगा। तो भीष्म कहते हैं एक्सेप्टेड, मैं प्रण लेता हूँ कि मैं हमेशा कौरव राज्य का दास बन के रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, स्वामित्व कभी नहीं शो करूँगा। फिर दाशराज कहता है यहाँ तक तो बात ठीक है, पर जब तुम विवाह करोगे तुम्हारी संतान होगी, और वो अगर जो है राज्य मांगेगी तो, क्योंकि विश्वा मुनि के पास कैक्सी ने यही खेल खेला था कि कुबेर के पास लंका थी, उसने कहा मेरे पुत्र हो जाएंगे तो कुबेर से लंका का हिस्सा मांग लेंगे, तो ये त्रेता युग की बात है। तो भीष्म ने, देवव्रत ने प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। ये दोनों प्रतिज्ञाएँ बड़ी कठोर थी, और कठोर को संस्कृत में कहते हैं भीष्म, इसलिए उनका नाम जो है भीष्म पड़ा। सत्यवती आ जाती है, सत्यवती आने के बाद दो संतान होती है, विचित्र वीर है, एक चित्रांगद है। चित्रांगद जब बड़ा होता है तो चित्रांगद नामक एक गंधर्व से युद्ध करते हुए मारा जाता है। विचित्र वीर है, यंग मैन है, 17-18 वर्ष की उम्र है, परंतु भोग विलास में इतना रत है कि शादी करके किसी स्वयंवर के अंदर लड़की को जीत के नहीं ला सकता। अब सत्यवती जो है भीष्म से कहती है काशीराज की तीन कन्याओं का विवाह हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, तुम जाओ और उनको ला के मेरे पुत्र का विवाह करा दो। भीष्म जाते हैं, तीन कन्याओं का हार लेके आते हैं, एक अम्बा है, एक अंबिका है, एक अम्बालिका है। अम्बा से कहते हैं, अम्बा कहती है कि मैंने शाल्वराज को वर रखा है, मेरे वर वो हैं, मैं उनसे शादी करूँगी, आप मुझे ले आए, मुझे शाल्वराम के पास भिजवा दीजिए। तो भीष्म ने शाल्वरेश के पास भिजवा देते हैं, शाल्वरेश रिफ्यूज़ कर देते हैं, सॉरी नॉट एक्सेप्टेबल, तुम हरी जा चुकी हो, तुम भीष्म के पास जाओ, उनसे विवाह करो। अम्बा वापस आ जाती है, भीम से प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है, अनुरोध करती है, भीष्म नहीं मानते, मैंने प्रण लिया हुआ है मैं विवाह नहीं करूँगा। तो वो जाती है फिर उनके गुरु परशुराम के पास, फिर परशुराम और भीष्म का युद्ध होता है। युद्ध को आगे जो है देखते हैं बात नहीं बन रही है, अल्टीमेटली अम्बा जो है शिव जी की तपस्या करती है, और शिव जी से जो है तपस्या के बाद उसको वर की प्राप्ति होती है कि वो जो है भीष्म का वध करने में सक्षम होगी, और शिखंडनी बन के जन्म लेती है, बाद में शिखंडी बन जाती है, एक अलग स्टोरी है, उसकी चर्चा भी करेंगे बाद में। अब रहेगी अंबिका और अम्बालिका। अम्बालिका को संतान देने से पहले ही विचित्रवीर की मृत्यु हो जाती है। जब विचित्रवीर चला गया है, सत्यवती कहती है कि मेरे पुत्रों के आगे वंश कैसे चलेगा, पुत्र तो हुआ नहीं कोई, संतान हुई नहीं है। तो फिर भीष्म से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जो है, मैं अपना वचन तोड़ने को बोल रही हूँ, तुमने जो वचन दिया था मैं चाहती हूँ तुम उसे ब्रेक करो, और तुम इनसे नियोग करके, नियोग का मतलब होता है जब पति संतान देने में असमर्थ हो तो रजामंदी के साथ, घर वालों की रजामंदी के साथ दूसरे पुरुष से संतान प्राप्त की जा सकती उसी बार में। तो भीष्म कहते हैं माता जी मैंने वर दिया हुआ, मैंने वचन दिया हुआ है, मैं वचन को तोड़ूंगा नहीं, मैं संतान प्राप्ति नहीं कराऊंगा। फिर सत्यवती कहती है अच्छा मेरे को अपना वंश चलाना है, तो मेरा एक पुत्र है वेदव्यास, मैं उसको बुला के उससे संतान प्राप्ति करवा देती हूँ, चलेगा? तो भीष्म कहते हैं एक्सेप्टेबल हो जाएगा, अब बुला लीजिए। तो वेदव्यास जी आते हैं, अंबिका के साथ नियोग करते हैं, तो अंबिका डर के मारे आँखें बंद कर लेती है। तो वेदव्यास जी कहते हैं तुझे अंधा पुत्र होगा। वो अंबिका सारी स्टोरी जो है बताती है अम्बालिका को। अम्बालिका जब वेदव्यास जी के पास जाती है तो डर के मारे पीली पड़ जाती है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि तुझे संतान की प्राप्ति होगी, तुम डर से पीली पड़ गई थी, तो उसको पीलिए का रोग होगा, पांडु कहलाएगा। अब सत्यवती को जब ये दोनों बातों का पता लगता है तो अम्बिका को फिर से मोटिवेट करती है, तुम जाके फिर से संतान की प्राप्ति करो। तो अम्बिका कहती है अच्छा
अच्छा कह के आ जाती है पर जाना नहीं चाहती, तो अपनी सेविका को बोलती है कि तू चली जा। तो सेविका जाती है और वो खुश है, दासी हूँ, ऋषि का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उनसे संतान की प्राप्ति होगी, मेरे तो खुशियों का अंबार नहीं। तो उनसे जो है पुत्र की प्राप्ति होती है विदुर जी को। विदुर जी को महान तत्ववेत्ता कहा गया है, ज्ञान के धनी थे, धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, इनके मंत्री भी रहे। तो इस तरह तीन संतान की प्राप्ति हुई। वही धृतराष्ट्र अब जन्म से अंधा है, परंतु वो अपने कर्मों से भी अंधा है, ज्ञान से भी अंधा है। वो ये चाहता है कि ये मेरे ही वंश में रहे, आगे ना जाए, तो इसलिए वो पांडवों में और अपनों में भेद कर लेता है कि पांडु पुत्र जो अलग है और मेरे पुत्र अलग हैं। यही बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। अब देखिए एक प्रश्न हुआ, छोटा सा प्रश्न हुआ। प्रश्न क्या है? एक लाइन में उत्तर चाहिए, मतलब सेंटेंस लंबा हो सकता है पर एक लाइन होनी चाहिए कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर भगवान ने संदेश दिया है, परंतु उस संदेश का मर्म क्या है, निचोड़ क्या है, सारांश क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, एक लाइन में हम उसको कैसे समझा सकते हैं, ये प्रश्न आता है। दिस इज द क्वेश्चन, यू शुड नो द आंसर टू इट। इसका आंसर आपको आना चाहिए कि आपसे कोई पूछता है भगवद गीता में क्या है, अरे एक लाइन में बताऊंगा मैं। बोले नहीं बता पाओगे, बोले मैं बता दूंगा। बोले बताओ फिर, अब आप लाइन ढूंढते हो, अरे परपट पढ़ लिया इसमें कहीं नहीं लिखी हुई, श्लोक पढ़ लिया इसमें कहीं ना लिखा हुआ, भगवद गीता के मैंने सारी किताब एक बार पढ़ डाली नहीं लिखी हुई। हमें एनालाइज करना होगा भक्त की सहायता से, दिस इज इम्पोर्टेंट। एनालिसिस क्या है कि भगवद गीता का पहला शब्द है धर्म क्षेत्र, उसका संधि विच्छेद करो उत्तर निकलता है धर्म और क्षेत्र। तो पहला शब्द लेते हैं इसमें से धर्म, पहला अध्याय पहला श्लोक, 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, आखिरी शब्द क्या है, नीति मति मम, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो नीति मति मम तीन शब्द निकलते हैं, फिर आखिरी शब्द है मम, धर्म मम, मम धर्म, मेरा धर्म क्या है। भगवद्गीता का पूर्ण भगवद्गीता का एक ही संदेश है कि मेरा धर्म क्या है और मैं कौन, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा अर्थात जीव का धर्म क्या है, इसका ज्ञान भगवद्गीता देती है। दिस इज द प्रयोजन ऑफ भगवद्गीता, दिस इज द पर्पज ऑफ भगवद्गीता। पहले 6 अध्याय 1 से लेके 6 तक आपको बताते हैं भगवान के साथ आपके संबंध का ज्ञान, कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ध्यान योग, भगवान के साथ संबंध है। 7वें से लेके 12वें अध्याय तक बताते हैं भक्ति योग, भगवान के साथ संबंध को निभाना कैसे है, जिसको कहते हैं अभिधेय, संबंध को निभाना कैसे है। और 13वें से लेके 18वें अध्याय तक श्लोक जो चार श्लोक हैं सब चर्चा आती है, वो है कि भगवान को जानने का, भगवान के साथ संबंध को जानने का, भगवान के संग संबंध को निभाने का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है। पहले में संबंध ज्ञान, दूसरे में अभिधेय ज्ञान और तीसरे में प्रयोजन ज्ञान। अब इसकी चर्चा आती है, अभी आज की डेट में नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे अगली बार इसी से, कि संबंध ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, अभिधेय ज्ञान कैसे प्राप्त होगा और प्रयोजन ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। एक बात समझ लीजिएगा,
आपके पास अगर अलमीरा है घर के अंदर, अलमीरा अलमारी अगर है, तो उस अलमारी में जो सीक्रेट लॉकर है अलमारी के अंदर होता है। अब अलमारी सीक्रेट लॉकर बाहर नहीं रखते, सीक्रेट लॉकर इज इनसाइड द अलमीरा, अलमीरा इज अगेन लॉक्ड। मीन्स सीक्रेट चीज़ जो है उसको छुपा के रखा जाता है, इट इज़ नॉट ओपन टू ऑल। एंड भक्ति योग सीक्रेट है। होना ये चाहिए था कि भगवान ने जो ज्ञान पहले 6 अध्यायों में दिया है, उसके बाद 13वें और 18वें अध्याय को ज्ञान देते, जिससे कि 12 अध्याय तक हो जाता, और जो 7 से लेकर 12 अध्याय तक ज्ञान दिया है उसको 13 से 18वें अध्याय में कहते कि बाद में संबंध निभाना कैसे, ये बात हो जाती है। बट नहीं, इट इज़ नॉट दैट। सीप के 2 अंश होते हैं, बीच में मोती होता है। ये जो भगवान के साथ संबंध निभाने का ज्ञान है, भक्ति योग है, दैट इज़ लाइक ए सीप के अंदर मोती। एक तरफ सीप का जो ढक्कन है उसके अंदर है संबंध ज्ञान, एक तरफ ढक्कन है उसमें है प्रयोजन ज्ञान। और संबंध निभाना कैसे है, अर्थात भक्ति योग का जो ज्ञान है वो इन दोनों ज्ञानों के मध्य में है, 7वें से लेके और 12वें अध्याय तक। बस आज इतना ही, शेष फिर अभी 10 मिनट है हमारे साथ प्रश्न उत्तर करने के लिए, 5 बजे समाप्त करेंगे। वेरी सॉरी फॉर द डिले टुडे बिकॉज मैसेज कुड नॉट बी डिलीवर्ड टू यू इन टाइम, अदर वॉज नॉट डिलीवर्ड टू मी इन टाइम, सो आई कुड नॉट डिलीवर टू यू इन टाइम। तो अगली बार जो है हम दूसरे श्लोक से आरंभ करेंगे और 10वें श्लोक तक करेंगे। आज इतना ही, अगर कोई इसमें कमी रह गई हो तो मेरी है, कोई इसमें आपको बात न समझा पाया हूँ तो मेरी वीकनेस है, मेरी कमी है। बताइए किसका हाथ खड़ा है, अपना नाम बताएं, वीडियो ऑन करें और फिर अपना क्वेश्चन करें। अभय प्रिया प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी जैसा कि आपने बताया कि भागवत गीता का मर्म बताया कि भी मेरा धर्म क्या है, तो जैसे हम लोग पैदा होते हैं तब तो मैं कोई भगवान की गीता का कोई मतलब होता ही नहीं है कि मतलब हम भगवत गीता पढ़ ले या कुछ कर ले। तो कुछ समय बाद यदि कभी हमारा कुछ टाइम अच्छा आता है तो कोई हमें भगवत गीता के बारे में बाय चांस कहीं से ज्ञान प्राप्त होता है, तो क्या असली जीवन हमारा जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तभी से शुरू होता है क्या? माता जी महाभारत में अभिमन्यु की कथा आती है, उसने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान जो है माता के गर्भ में प्राप्त किया था। अगर आपकी तो ऐसा नहीं हो सकता, वो किस्मत खराब है आपकी, कर्मों का फल है, वो आपके कर्मों का फल है। भगवान ने रास्ता बताया है, हम पालन नहीं कर पा रहे, हमारी गलती है जी। अगर माता जो है वो जब प्रेग्नेंट है तब वो भगवद गीता पढ़ती है और कृष्णा बुक पढ़ती है, 10th कैंटो, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनती है, वर्णन पढ़ती है, तो डेफिनेटली उसका बच्चे पे असर होता है, बच्चे का असर होता है, क्योंकि अभिमन्यु के सानिध्य से माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। हम समझ नहीं पाते, हमारी मिस्टेक है। और कोई सेकंड हाथ किसका रेस था? यस सेकेंड हैंड हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपको सत्यम सारों से मिल रहा है। यस प्रभु प्रभु जी जैसे श्लोक में वो धृतराष्ट्र संजय का जो आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो जो धृतराष्ट्र को डाउट हो रहा है कि उन्होंने आपस में कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया, आपस में दुश्मनी वगैरह कहीं युद्ध ना करें, तो उनको उस अगर ऐसा होता है तो उनके लिए मतलब उसको अच्छा क्यों नहीं ले रहे थे? तो भाई कि भगवत गीता फिर मतलब सुनाते ही नहीं, कृष्ण भगवान अगर आपस में उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता, लेकिन धृतराष्ट्र को फिर ऐसे उनको ऐसा क्यों लग रहा था कि उनका मतलब नहीं होना चाहिए? वो तो मतलब नहीं होता तो एक बच्चे आते हैं इनके बच्चे ऐसे देखिए, जब धृतराष्ट्र को ये पता है कि हमारा कुरु वंश है,
तो उसके मन में ये भाव आ गया ना कि पांडु अलग है और हम कुरु अलग है, भाव आ गया ना उसके मन के अंदर, तो यहाँ भी भाव आ सकता है कि भाई आपस में समझौता नहीं हो जाए। डिपेंड करता है सामने वाले पे। हम रामायण पढ़ते हैं, त्रेता युग की बात करता हूँ। त्रेता युग के अंदर रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। लंका विजय प्राप्त करने के बाद तो जो विजित राजा होता है, जो विजित राजा है, जो राजा है उसको खुद राज्य करना चाहिए, पर उन्होंने खुद राज्य ना करके रावण के छोटे भाई विभीषण को, जो उनका भक्त था, उसको राज्य की बागडोर सौंप दी कि तुम्हारा राज्याभिषेक कर रहा हूँ, आज के बाद लंका का राज्य तुम संभालोगे। भगवान की लीला दिखाने के लिए, भगवान की सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, भगवान की क्वालिटीज दिखाने के लिए लक्ष्मण ने प्रश्न कर दिया। लक्ष्मण कहता है अपने भाई से, भैया लंका पे विजय प्राप्त हो रही है, अभी हम युद्ध हुआ नहीं है, हो रही है मतलब हो जाएगी, आप जीत लेंगे लंका को, पर आपने लंका को जीतने के बाद खुद उसके ऊपर जो है राज सिंहासन पे न बैठ के, अपने राज्य में सम्मिलित न करके, आपने जो है लंका का राज्य जो है विभीषण को दे दिया। राम जी कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, आई डन इट, कर दिया मैंने। कहते हैं अगर मान लो कल रावण का मूड चेंज हो गया, कल रावण का मूड चेंज हो गया और उसे अपनी गलती समझ में आ गई कि मैंने सीता हरण करके गलत कार्य कर दिया है, और वो सीता जी को लेकर आपके पास लौट के वापस आ गया और आपसे क्षमा याचना कर ली और सीता जी आपको दे दी, तो आप उसको क्या देंगे? राज्य तो आप विभीषण को दे चुके हैं, राज्य तो आप विभीषण को दे चुके हैं। अब रावण ने क्षमा मांग ली है, रावण ने सीता जी को लौटा दिया है, तो अब रावण को क्या देंगे? तो राम जी क्या कहते हैं, क्षमा याचना से बढ़ के कोई कार्य नहीं, वो क्षमा करने से बढ़ के भी कोई कार्य नहीं, मैं उसे क्षमा कर दूंगा और अयोध्या का राज उसे दे दूंगा। कैन यू इमेजिन, भगवान कह रहे हैं कि अगर रावण क्षमा मांगने आ जाता है और मैं राज्य जो है लंका का विभीषण को दे चुका हूं, तो मैं अयोध्या का राज्य रावण को दे दूंगा। तो ये जो है भगवान की लीलाएं बताई जा रही हैं कि धृतराष्ट्र के मन में एक चिंता व्याप्त हो गई है, इसलिए पूछता है मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अरे शिविर के नियम तुम्हें बताए जा चुके हैं, 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास है, 11 अक्षौणी तुम्हारे पास है, उनके सेनापतियों के डिटेल बताए जा चुके हैं, तुम्हारे सेनापतियों के डिटेल बताए जा चुके हैं, सब चर्चाएं हो रही हैं, तुम्हें शिविर के नियम बताए जा चुके हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस बता दिए गए हैं, शिविर की स्थापना कहाँ हुई है, कैसे हुई है, सब बता दिया गया है। अब डाउट किस बात का है? डाउट इसी बात का है कि भैया दोनों कर का ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं पूछा, ये पूछा उन्होंने क्या किया। और ये कब पूछा है? शास्त्र इसका उल्लेख करता है कि जब भीष्म पितामह बानों की शैया पे आ जाते हैं, 10वें दिन धृतराष्ट्र को बताने के लिए संजय आते हैं, और संजय भी परेशान हैं, उनको अब जो है युद्ध के अंदर जो बात समझ में आ रही है कि कौरवों का नाश होगा, देयर एंड इज नियर, क्योंकि जब भीष्म पितामह जैसे योद्धा वो बानों की शैया में आ गए तो बाकियों की तो बिसात ही क्या है, बाकी किस खेत की मूली है, सब उड़ जाएंगे। इसलिए हमें उसको जो वो भाव है उस भाव को समझना चाहिए। थैंक यू प्रभु। एनीवन एल्स? और किसी का हाथ खड़ा है? हरे कृष्ण गुरु जी। तो गुरु जी अभी तो कोई हैंड रेज है नहीं। कौन बोल रहा है माता जी? मैं प्रेम प्रिया प्रभु जी। बोलिए माता जी, बोलिए बोलिए, वेलकम। हरे गुरु। तो प्रभु जी अभी तो कोई हैंड रेज है नहीं किसी का, आप पूछे ना किसी का हैंड रेज है तो इसलिए आंसर दिया। आज रात में मैं 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक फिर जूम पे क्लास करूँगा, जूम का लिंक आ जाएगा,
क्लासेस रीड भगवद गीता एट होम, उसका एक सेशन होगा, स्पेशल सेशन है, स्पेशल सेशन। जिनको पहले सेशन समझ में आ गए हैं वो रिवाइज रिवीजन के लिए आ सकते हैं, जिन्होंने पहले सेशन अभी समझने चाहते हैं दोबारा से वो भी आ सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं सुने हैं वो भी आ सकते हैं। 8:30 to 9:30 आएगा जूम के ऊपर, सेशन का लिंक अलग होगा, आप वाला लिंक नहीं होगा, दिस विल बी ए डिफरेंट लिंक। आई विल पास ए मैसेज नाउ, अगर आप चाहें तो अपने ग्रुप में पास कर सकती हैं। एनीबडी जिसने फर्स्ट डे सेशन नहीं सुना है या नहीं सुन पाया है या नहीं कर पाया है तो दे कैन कम एंड ज्वाइन। और जो पहले से गुड़गांव के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, वो चाहेंगे तो रिवीजन के तौर पे आ सकते हैं, दे कैन कम एंड अटेंड इट। 8:30 to 9:30 आई विल गिव ए क्लास ऑन हाउ टू रीड भगवद गीता एट होम। प्रवीण आनंद प्रभु का हाथ खड़ा है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु, वीडियो ऑन करिए अपना। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्णा। एक मेरा एक ही सवाल है कि भगवत गीता में जैसे हमने ये कहा कि कृष्ण जी ने भगवत गीता को सुनाने के लिए महाभारत में ये पूरी रचना हुई है कि अर्जुन को उन्होंने भगवत गीता सुनाई है, उसमें ये युद्ध हुआ, युद्ध का पूरा ये रचना हुई और उसमें भगवत गीता सुनाई है, क्या कोई मतलब ये कितने लोगों की युद्ध में मौत हुई, मतलब ये थोड़ा सा मुझे आपसे समझना था कि ये जितने लोगों की युद्ध में मौत हुई और दोनों तरीके से हुई, तो क्या कोई और माध्यम भी हो सकता था भगवत गीता सुनाने का, कि किशन जी ने बोला कि नहीं अर्जुन को मुझे सुनाना है जिससे कि सारे लोगों को जन संदेश जाएगा, ये तो वो एक माध्यम था जिसमें इतने लोगों की मौत हुई। देखिए, जब हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा आएगी, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। पहली बात यह है कि भगवद गीता का जो ज्ञान है दैट इज नॉट फॉर एवरीवन इन दैट युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र में सबके लिए वो ज्ञान नहीं था क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं ज़्यादा, सिलेक्टेड लोग थे जिन्होंने सुना है, उनमें संजय है, अर्जुन हैं, पांडव हैं, भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, बहुत सिलेक्टेड से लोग हैं जिन्होंने ज्ञान सुना है, जिनको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगर दुर्योधन ने सुन लिया होता तो शायद उसका मन चेंज हो जाता, शायद वो बदल जाता, यस इस ज्ञान में इतना कुछ भगवान बता रहे हैं, नहीं सुनाएगा सब। एंड सेकेंड थिंग, इट वॉज सो फास्ट कि वही लोग समझ सकते थे जो भगवान के क्लोज थे। 45 मिनट्स पूरी भगवद गीता के 700 श्लोकों की चर्चा 45 मिनट में हो गई, तब परपट्स नहीं हुए थे, डिस्कस परपट्स नहीं थे। आज भी हम सिर्फ श्लोक थे, अनुवाद भी नहीं थे, सिर्फ श्लोक थे। आज भी अगर हम श्लोक पढ़ते हैं तो 3 घंटे लग जाते हैं, अगर कंटिन्यूसली श्लोक पढ़ेंगे तो 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाते हैं। पर भगवान की स्मार्टनेस थी, सारा का सारा ज्ञान उन्होंने 45 मिनट्स के अंदर दे दिया, ऑल एक्सप्लेन्ड। दूसरी बात यह है कि भगवद गीता का ज्ञान अब चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो पता लगेगा, पहले तो विवस्वान को दिया गया जो सूर्य लोक के राजा हैं, ये तो चूंकि लुप्त प्राय हो गया था, भगवान ने इसे दोबारा से बताना था, दोबारा से शो करना था, तो उन्होंने इसके लिए माध्यम चुना है अर्जुन को, और माध्यम था युद्ध का मैदान। जब आप भगवद गीता के पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह पे आता है कि भगवान ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन भगवान, देखिए अर्जुन भक्त भगवान को आदेश दे रहा है, भक्त भगवान को आदेश दे रहा है और आदेश पालन कर रहे हैं। भगवान सारथी क्यों बने इसकी भी चर्चा करेंगे, आज तो समय नहीं है, समाप्त हो रहा है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम यहाँ एकत्र सारे कुरुओं को देखो, ये नहीं कहा कुरुओं और पांडवों को देखो, यहाँ एकत्र सारे कुरुओं को देखो, किस लिए कि जो कुरु वंश के लोग हैं उनको भी देखो और जो तुम्हारे पांडु वंश के हैं उनको भी देखो, ताकि कौटुंबिक मोह जागृत हो जाए
जब गौतम्बिक बहुत जागृत हो जाएगा तो कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन होगा तब मैं उपदेश दूंगा, तब मैं इसे दोबारा से प्रकाशित करूंगा। वो गए उद्धराज जी, कौन बोल रहा है? तो इसीलिए ये सारी चर्चा अभी आएंगी, जब भगवद्गीता डिटेल में डिस्कस करेंगे श्लोक वाइज, तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, एंड यू विल रिलिश इट, आप उसको एंजॉय करेंगे आप इस ज्ञान को। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू प्रभु। एक छोटा सा मैंने कहीं पढ़ा था, हो सकता है कि मैंने कहीं गलत, जो 45 मिनट आप बोल रहे हैं ना प्रभु जी, ये कहते हैं कि समय रुक गया था, किसी को पता नहीं चला, क्षण भर में लोगों को पता ही चला, क्योंकि वो युद्ध के मैदान में उनको लगा कि क्षण भर में हो गया, लेकिन ये 45 मिनट वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग थे जो युद्ध में खड़े थे उनको क्षण भर पता चला कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भगवान काल के भी स्वामी हैं, समय के भी स्वामी हैं। उन्होंने जब जो है जयद्रथ का वध होना था, तो उन्होंने जब अर्जुन जो है अग्नि में प्रवेश करने वाला था, तो भगवान ने सूर्य को रोक दिया था, अब तुम अस्त नहीं होगे, सूर्य अस्त हो रहा था, भगवान ने फिर उसे उदय करा दिया, तुम अस्त नहीं होगे, क्योंकि अर्जुन को बचाना है और जयद्रथ को मारना है। ये महाभारत पढ़ेंगे ना, बहुत सारी कथाएं मिलती है, भगवान की लीलाएं गजब है। चलिए धन्यवाद, हरे कृष्ण। कहाँ है प्रभु जी आप? यस प्रवीण बाबू, हाँ जी, कहाँ पर है आप? गुड़गांव। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मैंने आपसे बात की थी रिक्ति आनंद गुड़गांव से। हाँ जी, तो प्रवीण आनंद मेरे हस्बैंड है। कौन? अच्छा आपके? मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड है, वेरी गुड। जी जी, गुड़गांव से आपको मैंने बात की थी ना मेरे आपसे, कि एक ग्रुप है फॉर्म हुआ है, आप नया ग्रुप फॉर्म हुआ है, आपकी जो ट्रेनिंग भेजा, थोड़ा सा शायद लेट हो गया हमारे को, लिंक लेट पहुंचा। नहीं आज मेरे को लिंक मैंने इसलिए लेट भेजा है क्योंकि मुझे लिंक नहीं मिला था थोड़ा ये समस्या रही। ओके ओके ओके, वो बाय चांस जो है स्किप हो गया, तो मैंने भी सोचा था कि शायद आज लेक्चर नहीं होगा, परंतु मैंने दूसरा लेक्चर जो है सोचा था 5 बजे कर दूंगा, जो मैं वो रीड एट होम वाला कर रहा था, तो फिर मैं जब नीचे आया हूँ इस लेक्चर के लिए, फिर मैंने प्लान किया कि वो जो 5 से 6 महीने लेक्चर करना था हाउ टू रीड भगवद गीता एट होम, वो सेशन मैं अब रात को 8:30 से 9:30 करूँगा। ठीक है प्रभु जी, तो आप लिंक शेयर करिएगा जरूर, हम तो वेट ही कर रहे थे, आज भी वेट कर रहे थे कि आपका लिंक कब आएगा। ठीक है माता जी, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रियंका माता जी, थैंक यू वेरी मच। 5 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं प्रभु जी, आपने अपने हिसाब से करा, देन फिर भी मोर गुड प्रभु जी, इट्स माय फॉल्ट, आज मेरी गलती है, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो हम आज का सत्र यही समाप्त करें प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस माता जी, आई एम गेटिंग योर वॉइस। ओके, सो आज का सत्र को यही विराम दें प्रभु जी। कल क्लास नहीं होगी जी प्रभु जी, आपने बताया था कल क्लास नहीं होगी, कल मुझे जाना है पानीपत लेक्चर देने के लिए। जी प्रभु जी, ये शांति प्रदा माता जी का हाथ खड़ा है, यस माता जी फटाफट बोलिए। शांति प्रदा माता जी बोलिए। प्रणाम, यस माता जी बोलिए। छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी, प्रभु जी जैसे संजय आते हैं युद्धभूमि से धृतराष्ट्र से मिलने, तो धृतराष्ट्र से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो प्रभु जी ये 10 दिन बीत चुके हैं और भीष्म पितामह जो उनके पहले सेनापति हैं वो बाणों की शैया पर चले गए, लेकिन उनके प्रश्न से ऐसा लगता है कि अभी तक धृतराष्ट्र को कुछ भी मालूम नहीं है कि युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ, वो एकदम ब्लैंक दिखाई दे रहे, और उन्होंने इसलिए इस प्रश्न से शुरुआत किया। ऐसा है, और राजा को पता नहीं, राजा को मालूम नहीं है, क्यों?
कि युद्ध क्षेत्र में सारे के सारे लोग पहुंचे हुए हैं, कोई पीछे बचा ही नहीं, बूढ़े लोग बचे हैं, बच्चे बचे हैं या स्त्रियां बची हैं। दूसरी बात, इसमें दो वर्षन मिलते हैं। एक वर्षन ये कहता है कि धृतराष्ट्र ने जो दिव्य दृष्टि संजय को दिलवाई थी व्यासदेव जी से, उस दृष्टि में ये था कि वो उनके कमरे में बैठ के ही दृष्टि से सारा युद्ध देख सकता था और उनको सारी बातें ऑन द स्पॉट बताता रहता था। कुछ वैष्णवाचार्य कहते हैं कि अगर ये बता रहे थे रोज का रोज तो क्या किया कहने का अर्थ नहीं बनता, वो तो रोज सुन रहे, इज वॉचिंग एवरी डे, इज हियरिंग एवरी डे, तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो पूछे जी क्या किया। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो है युद्ध क्षेत्र में था संजय, वहाँ से 10 दिन के बाद वापस आके जो है उसने सारी चर्चाएं करी हैं, तो हम दोनों वर्षन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दोनों वर्षन ठीक है, चलो जी ठीक है। अपना किसी तरीके से धृतराष्ट्र को पता तो लगा, ऐसे पता लगा या वैसे पता लगा क्या फ़र्क पड़ता बस, इसलिए हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, एवरी थिंग इज ओके, वेल डन, डन, फिनिश। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड्रेस है नहीं और समय भी हो गया है, तो हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं क्योंकि इतने भागवत सेवा का। प्लीज 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 कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सो मच प्रभु जी। पंचाकल्पतरूपश्च कपासिन्दुभिः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण हरिदास प्रभु जी की जय। हरी हरि बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आपसे भक्तों से विनती है कि हमारा भागवत क्लास अभी से 2 घंटे बाद शुरू होगा, मतलब इंडिया का टाइम 7:30 बजे, अभी इसका टाइम 10 बजे मॉर्निंग का, तो आप सभी सेम टाइम सेम सिम लिंक पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरि बोल, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। मंदिर